हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जी एम एज स्टडी क्लासेस मैं हूं छवि सोनिया फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप कॉमर्स कॉलेजेस तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफ़ इंट्रोडक्शन दूंगी कि गवर्नमेंट कॉलेजेस बेटर रहेंगी सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस या ग्रांट एंड एट कॉलेजेस जो है वो अच्छी रहती है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए और सारी कॉमर्स जो कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट भी मैं आज आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ तो प्लीज़ वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको यहीं पर दे दूँ कि गवर्नमेंट कॉलेजेस पूरा कंट्रोल उसमें गवर्नमेंट का रहता है इन कॉलेजेस में यानी आपको पता ही है गवर्नमेंट का जहाँ कंट्रोल रहता है तो वो ग्रांट्स देते रहते हैं जैसे कि यहाँ पर फीस में आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस पर सेमेस्टर फिफ्टीन हंड्रेड से टू uh, थाउजेंड तक ही रहती है राइट right? इससे ज़्यादा नहीं होती और uh, जो कोर्सेज़ हैं जैसे बी कॉम है जो ग्रेजुएशन कोर्सेज़ है बी सी ए हो गया या फिर बी बी ए अगर आप कर रहे हैं तो इन सभी में एक साल में दो सेमेस्टर रहते हैं ठीक है तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में रहेंगे तो uh, आपको फ़ीस में इसका बेनिफिट मिलेगा और एजुकेशन फैसिलिटीज़ यहाँ पर अच्छी मिल जाती है सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस जो है यानी पूरी तरह से प्राइवेट कॉलेजेस तो यहाँ पर फ़ीस आप आपको फाइव थाउजेंड से टेन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड पर सेमेस्टर या पर पूरा जो ईयर है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इस तरह से आपको फी स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलता है और जो ग्रांट एंड एड कॉलेजेस है यानी इसका मतलब ये होता है कि दोनों का फिफ्टी परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है यानी ये सेल्फ़ फ़ाइनेंस कॉलेजेस होती है प्राइवेट कॉलेजेस होती हैं ग्रांट एंड एड कॉलेज जो होती है लेकिन उसमें गवर्नमेंट थोड़ी ग्रांट्स दे देती है यानी थोड़ा सपोर्ट दे देती है फाइनेंशियल तो वो थोड़ी सी फीस कम कर देते हैं तो अब मैं आपको सारी कॉलेज़ की लिस्ट भी दूँगी और साथ में ये भी बताऊँगी कि कौन सी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है जो मैं लिस्ट बता रही हूँ उसमें सेल्फ़ फाइनेंस कॉलेजेस के भी नेम्स आपको दूंगी और ग्रांट एंड एड कॉलेज के भी आपको नेम्स यहाँ पर दे दूँगी तो आज का ये वीडियो फ्रेंड्स हमारा है टॉप बीकॉम कॉलेजेस फॉर 2020-20 और आज मैं पर्टिकुलर सिर्फ अहमदाबाद सिटी के जो सारे कॉलेजेस हैं उन्हीं पे ये वीडियो अपलोड करी हूं। आप जिस भी सिटी से हैं आप मुझे अपना सिटी का नेम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं बिकॉज मैं आज के इस वीडियो में फिफ्टीन टू ट्वेंटी सारी टॉप कॉलेज जो अहमदाबाद में हैं और ग्रांट एंड हेड है या गवर्नमेंट है या सेल्फ फाइनेंस है ये सब कुछ आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ अगर आप बी कर रहे हैं या फिर आप कौन से दूसरे ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए जानना चाहते हैं कॉलेजेस के नेम्स एज़ वेल एज जो टाइप्स हैं वो सब मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इन्फॉर्म ज़रूर कीजिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर अपलोड कर सकूँ सो लेट स्टार्ट फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं अहमदाबाद में टॉप कॉलेजेस सो फर्स्ट है श्री एच के कामर्स कॉलेज यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रांट इन एड कॉलेज है तो यहाँ पर तो यहाँ पर आपको दोनों ही कंट्रीब्यूटर्स दिखेंगे जैसे सेल्फ फाइनेंस यानी प्राइवेट कॉलेजेस भी आ, ये प्राइवेट कॉलेज भी है और इसमें गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन रहेगा इसका कॉलेज कोड है वन थ्री फोर ठीक है यानी जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको जो ऑनलाइन फॉर्म्स फिलअप करने हैं अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो आपको इसका कोड पता होना चाहिए वन थ्री फोर इसका कोड है तो अहमदाबाद के स्टूडेंट्स या फिर यहाँ पर अगर आप अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर कीजिए सेकेंड पे फ्रेंड्स आता है एच ए कॉलेज ऑफ कॉमर्स इसका कोड है फोर्टी थ्री और ये भी ग्रांट इन एड कॉलेज है नेक्स्ट देखते हैं एच एल कॉलेज ऑफ कॉमर्स टॉप कॉलेज में आती है इसका कोड है फोर्टी सिक्स और ये भी ग्रांट इन एड है फ्रेंड्स इसमें सेल्फ uh, फाइनेंस का भी दूसरा सेक्शन ऐड कर दिया एच एल कॉलेज ऑफ कॉमर्स में तो आप एक बार इसका फ़ी स्ट्रक्चर गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं उसके बाद फोर्थ है श्री सजानंद आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज इसका कोड है वन फोर एट और ये भी ग्रांट इन एड कॉलेज है इन अहमदाबाद नेक्स्ट देखते हैं जे जी कॉलेज ऑफ कॉमर्स वन ऑफ़ द बेस्ट कॉलेज और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिफ्टी टू इसका कोड है और ये सेल्फ फ़ाइनेंस्ड है यानी प्राइवेट कॉलेज है फुल्ली नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है सोम ललित कॉलेज ऑफ कॉमर्स ये सेल्फ़ फ़ाइनेंस्ड है अगेन और इसका कोड है वन फाइव सेवन तो अगर आप इन कॉलेजेस को माइंड uh, में सेट करके रखते हैं तो कुछ डिटेल्स इसकी आप स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर रखिएगा ताकि आपको एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे काम आएगी नेक्स्ट देख लेते हैं श्री नारायण कॉलेज ऑफ कॉमर्स ठीक है इसका कोड बता देती हूँ वन फोर फाइव और ये सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है राइट आप जिस भी सिटी से हैं आप मुझे अपनी सिटी यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं सा ग्रेजुएशन कोर्स चाहते हैं जिसके बारे में मैं कॉलेजेस की लिस्ट आपको प्रोवाइड करवा दूँ सी यू शाह कॉमर्स कॉलेज तो ये जो कॉलेज है ये भी यहाँ पर ग्रांट इन एड कॉलेज है इसका कोड है टू वन ट्वेंटी वन नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स नेशनल कॉलेज ऑफ कॉमर्स तो नेशनल कॉलेज ऑफ कॉमर्स ये सेल्फ फाइनेंस्ड है और सेवेंटी थ्री इसका कोड है उसके बाद है फ्रेंड्स सी सी शेट कॉलेज ऑफ कॉमर्स तो ये ग्रांटेन एड है और कोड है इसका फोटीन तो आप इन सभी को लिस्ट आउट ज़रूर कीजिएगा ठीक है और गूगल में आप इनका जो कैंपस है वो चेकआउट कर सकते हैं इनका फ़ी स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको वहाँ पर उसके बाद है अहमदाबाद आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज ये भी अच्छी कॉलेज है यहाँ पर इसका कोड है वन और ये ग्रांट इन एड कॉलेज है गुजरात कॉमर्स कॉलेज ये पूरी गवर्नमेंट कॉलेज है और इसका कोड है फोर्टी तो यहाँ पर ग्रांट्स अच्छे मिल जाती है गुजरात कॉमर्स कॉलेज का कोड भी नोट डाउन करके रखिएगा फोर्टी है और ये पूरी गवर्नमेंट कॉलेज है उसके बाद चेकआउट करते हैं फ्रेंड्स आर जे तिब्रवाल कामर्स कॉलेज वन ज़ीरो वन ग्रांट इन एड ये कॉलेज ग्रांट इन एड है और उसके बाद नेक्स्ट है न्यू एल जे कॉमर्स कॉलेज इसका एटी फोर कोड है सेल्फ फाइनेंस्ड ये है और इसका भी कैंपस बहुत अच्छा है नेक्स्ट देखते हैं लोकमान्य कॉलेज ऑफ कॉमर्स इसका कोड है सिक्सटी और ये सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है तो फ्रेंड्स बस इतना ही आज के लिए आपने सारी कॉलेजेस देख ली होंगे जो स्टूडेंट्स अहमदाबाद से हैं राइट right? अब इनका स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिएगा फ्रेंड्स और वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा वीडियो हेल्पफुल आएगी तो और नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी जब आपका रिजल्ट आने के बाद आपको कॉलेज कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना है ऑनलाइन प्रोसीजर है इसका वो सब भी हम चेकआउट करेंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज़ आते रहेंगे चैनल पर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग